हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो लैपटॉप फोन होता है वो कैसे हैक होता है और उससे कैसे बच सकते हैं। आपको पता है आपका जो फोन स्मार्टफोन है आपके पास, उसमें आपको बहुत सारा पर्सनल डिटेल्स आपका होगा। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको जो बैंक डिटेल्स आपका फोन में होगा, और इस जगह अगर आपका फोन हैक हो जाए तो आपको पता भी नहीं आपको फोन से क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आप इसे कैसे बच सकते हैं, आपको किस तरह से आपका फोन वो हैक करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्या होता है मार्केटिंग मैसेज, जैसे कि आपको फोन में अभी भी मैं श्योर हूँ कि आपको फोन में होगा एक ना दो मार्केटिंग मैसेज आपको होगा कि आपको इधर पे ऐसा मौका मिला है, आप इसमें अप्लाई कीजिए तो आपको ऐसा फायदा होगा। बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट से आपको मैसेज आते रहते हैं, बहुत सारे ओरिजिनल भी होते हैं, मैं नहीं बोला सब फेक होते हैं, बहुत सारे ओरिजिनल होते हैं। वैसे फाइनेंशियल मार्केट से आपको ऑफर, कुछ बैंक से आपको ऑफर आते हैं ओरिजिनल, लेकिन ज्यादातर इसमें जो फेक होते हैं, क्योंकि आपको जो ऑफर भेजते हैं उसमें आपको ऐसे ऐसा मिल चुका है, आपको इधर अप्लाई करने से आपको ऐसा फायदा होगा, उसमें आपको साथ में कुछ लिंक भेजते हैं जिसमें आपको क्लिक करने के साथ साथ आपको जो स्मार्टफोन वो हैक हो जाएगा, क्योंकि उस लिंक पे कुछ ऐसा वायरस होता है जिसमें आपको क्लिक करने सबसे आपको जो फोन में वायरस वो डाल देते हैं और आपका जो फोन का जो कंट्रोल है वो फुल हो आप उसके बाद चला जाता है और आपका फोन से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो कैमरास होते हैं वो कैमरा आपको ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैमरे का मतलब आप देख सकते हैं आप क्या कर रहे हो। आपको जो बैंक डिटेल्स होगा, आपको जो फोन पासवर्ड होगा, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आपका पासवर्ड होगा सब उसको पता चल जाएगा। जैसे कि आप जैसे यूज करते हैं, जैसे पासवर्ड डालेंगे वो स्क्रीन रिकॉर्ड सब करके आपको जो पासवर्ड को पता चल ही जाएगा, क्योंकि पूरा फुल कंट्रोल आपका फोन का उसके पास होगा। तो इस तरह आपको जो पहला तरीका है वो मार्केटिंग मैसेज, इस तरह से आपको फोन जो कि हैक करते हैं। दूसरा जो मदद है वो है ऐप के मदद से, जैसे जो भी हैकर से होता है कुछ ऐप जैसे डाम बना देते जिसमें वायरस होते हैं, उसे आपको प्ले स्टोर में अपलोड कर देते हैं। जैसे आप प्ले स्टोर बहुत सारे ऐप डिलीट कर चुका अपना प्ले स्टोर से जिसमें वायरस था, और मैं लिस्ट साइड में दे रहा हूँ, अगर आपको बस ऐसा कुछ ऐप आप यूज करते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको फोन से डिलीट कर दीजिए। तो ऐप की मदद से आपको जो फोन में वो वायरस डालते थे, जैसे कि कुछ अननेसेसरी ऐप भी होते हैं, जैसे कि कुछ फोटो एडिटिंग का ऐप होता है या कुछ एडिटिंग वगैरह सब का ऐप, MP3 कटर सब का कुछ अलग अलग ऐसे ऐप होते हैं जिसका मदद से आपका फोन में वायरस डालते थे वो लोग। तो इसे आपको डिलीट कर दीजिए, जो लिस्ट में अगर आपको फोन में है तो उसको डिलीट कर दीजिए, और ऐसे आप कुछ भी अननेसेसरी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है। और मैं बता दो, ऐसे भी बहुत सारे ऐप होते हैं जिसमें बहुत सारे परमिशन मांगते हैं, आप जैसे कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें कुछ परमिशन मांगते हैं आपको, आप उसको अलाउ कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसा ऐप होता है, जैसे आप फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं उसको फोटो गैलरी का परमिशन देना पड़ता है, क्योंकि अगर गैलरी का परमिशन नहीं देंगे तो उसमें ये नहीं होगा, उसमें फोटो जो शो करेगा नहीं, तो आपको परमिशन देने के बाद गैलरी का फोटो शो करते हैं आप उसको एडिटिंग करते हैं। लेकिन उसमें फोटो एडिटिंग ऐप में कुछ कॉल्स का परमिशन भी मांगते हैं, कुछ ऐसे ऐप होता है तो कॉल्स फाइल्स सबका परमिशन वो मांगते हैं, अगर आप उसमें सबका परमिशन दे देते हो उसका मतलब आपको उसका, जैसे वो फोटो एडिटिंग का ऐप है उसमें सिर्फ फोटो एडिट से काम है लेकिन उसको कॉल सबसे कुछ मतलब नहीं, फिर भी वो कॉल का परमिशन मांगते हैं, इसका मतलब समझ जाएगा कि वो उसको परमिशन नहीं देना, आपको कॉल का परमिशन क्यों मांग रहा है, उसको जरूरत नहीं तो उसका आप उसमें भी अलाउ कर देते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था, आपको देखना पता है अच्छे पढ़ना हो तो उसकी चीज का परमिशन मांग रहा है, इसको देना चाहिए कि नहीं, इसका जरूरत हुई कि नहीं इसको, उस हिसाब से आपको परमिशन देना पड़ता है। आप डायरेक्टली अलाउ कर देते बिना कुछ देखे तो उससे आपको नहीं करना है। अब जो तीसरा तरीका है वो है ट्रिक्स, जैसे कि आपको पता होगा MI फ्लिपकार्ट में 1 रुपीज का सेल होता है, बहुत जगह आपको 1 रुपीज ऐसा का सेल लगते हैं, उसका कुछ स्क्रिप्ट ऐसा आपको बोलते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलता है, ये स्क्रिप्ट को डाल दीजिए आपको लॉटरी आपको जो 1 रुपीज का जो सेल है आपको मिल जाएगा, आपको ग्रैब कर जाएगा आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, वो खरीद लेंगे आप। लेकिन सब बहुत सारे ओरिजिनल होते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ज्यादातर जो भी फेक होते हैं जो हैकर्स लोग कोड तैयार करते हैं उस फोन का, जैसे ही आप उसमें डालेंगे कोड को तो आपको जो फोन कैसे आपको वायरस उस फोन में चला जाएगा, उसके पास जो कंट्रोल है आपका फोन हैक हो जाएगा, फिर लैपटॉप जो इसमें भी आप करते ही है आपको जो लैपटॉप ऐसे आपको उस कंट्रोल उसको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना, आपको इस कुछ लालच में आके आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अगर सिंपली आपको करना है तो करिए, तो बहुत सारे नेट स्पीड होता है और जो आपको ग्रैप करता है उनका नेट बहुत स्पीड होता है तो उनका सर्वर क्रैश नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी ग्रैप कर लेते हैं, और बहुत लोग ऐसे ग्रैप करते हैं ऐसे कोड की मदद से, उसमें आपको क्रोम आपको जो जो लैपटॉप है आपका लैपटॉप में क्रोम में जाकर आपको ऐसे ऑटो बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, उधर पे आपको कुछ मिल जाएगा उसमें आपको यूज कर सकते, लेकिन कुछ आपको स्क्रिप्ट ऐसे डाल के लैपटॉप में डाल के फोन में कुछ स्क्रिप्ट ऐसे डाल के आपको ऐसे ग्रैप नहीं करना है, आपको क्रोम लैपटॉप में क्रोम में जाकर आपको मिल जाएगा ऑटो बाय का कुछ ऐप ऐसा मिल जाता है, उधर जाकर आप कर सकते हैं। आपको जो वीडियो यूट्यूब में वीडियो देखो कुछ स्क्रिप्ट ऐसा आपको उधर लिखना है, कुछ कोडिंग वगैरह आपको करने बोलता है, सब फोन में डालना पड़ता है कुछ ऐप डाउनलोड करके, अननेसेसरी ऐप ऐसा डाउनलोड करके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अभी चौथा जो तरीका है वो होता है आपको जो ब्राउजिंग में,
आपको जब ब्राउजिंग कभी इसी बाजार या फिर आपने जो क्रोम ये सब में आप देखे होंगे, आप जब भी कुछ मूवी साइट ये सब जाते हैं तो आपका जो साइट में कुछ क्लिक करते हैं तो आपको साइट में कुछ अलग ही पेज खोल के आते हैं, जो कि आपको पता है आपका फोन में वायरस है, अभी इसे आपको डाउन कीजिए, आपका फोन में ये क्लीन आप क्लियर नहीं है, आपको एंटीवायरस नहीं है तो इस एंटीवायरस आपको डाउन कर लीजिए, इसे आपको बोलते हैं, लेकिन इसको आप बिल्कुल मत कीजिए, आप इसको बैक कर दीजिए, सब बिल्कुल सब फेक होते हैं, आपको बस वो लोग डाउन करवाना चाहते हो इस ऐप को, उसके मदद से वो लोग वायरस दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फोन में वायरस है तो डाउनलोड करना ही है, ऐसा कुछ नहीं, आप उसको सिंपली बैक कर दीजिए। ज्यादातर इसी बाजार में होता है, इसी बाजार में आपको फोन वाइब्रेट होता रहता है, आपको बहुत मिला होगा अगर इस करते होंगे, कुछ भी आप मूवी डाउन करना चाहते हो खोलते तो दूसरा कुछ पेज ओपन होकर होता है, आपको इसी बाजार का डाउनलोडिंग आ जाता है कि इसको डाउनलोड करो वायरस आपको फोन में, ऐसे आप ऐसा बोलते तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना, तो सिंपली बैक करना है, बैक करके आपको फिर से उस ऐप को ओपन करना है, आपको कुछ भी अननेसेसरी ऐप ऐसा डाउन करने की जरूरत नहीं है फोन में एंटीवायरस के लिए। और ये जो ऑनलाइन का जो वेबसाइट का जो वायरस होता है ज्यादातर उस वेबसाइट से आता है, जैसे कि एटीन प्लस जो वेबसाइट होते हैं आपको एटीन प्लस वेबसाइट का मदद से आपको ज्यादातर वायरस आते हैं, क्योंकि उधर पे ज्यादा ज्यादा लोग उसमें सर्च करते तो उसी में वो लोग एक लोग लगे थे इसमें सर्च करते तो इसमें हम लोग ऐसे वायरस डाल देंगे, तो आपको उस तरह उसमें से अगर सिक्योर रहना है आपको कुछ ऐसे उल्टा उल्टा आपको क्लिक नहीं करना, आपको उल्टा उल्टा लिंक पे क्लिक नहीं करना, उस वेबसाइट पे जाके ऐसे वेबसाइट पे जाके तो उसी मदद से वो लोग भी आराम से आपको फोन में वायरस डाल सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए। और आखिरी तरीका जो कि होता है वो सबको पता ही होता है आजकल का ऑनलाइन फ्रॉड में, जैसे कॉल आता है आपको ऑनलाइन फ्रॉड कॉल आता है, जब मैं आपको इतना रुपए मिल गया इतना आपका बैंक का पासवर्ड ओटीपी दीजिए या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर दीजिए सब मांगते हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं देना, ऐसा फ्रॉड होता है आपको ज्यादा लोग को पता ही होगा, जिसको नहीं पता आपको पता कर ले कि ऐसा आपको नहीं करना है, आपको कोई भी ओटीपी आपको बैंक अकाउंट नंबर किसी को फ्रॉड जो भी आपको अनजान व्यक्ति को आपको नहीं देना, आपको कॉल आता है तो उसमें डायरेक्ट आप गाली दे दीजिए, जितना मर्जी गाली आप उसमें दे दीजिए, आपको बिल्कुल इसका झंझट में नहीं पड़ना है। और मैं आपको बता दूं आप कंफर्म ये होगा, आप किसी पेटीएम से शॉपिंग कीजिए, मैं बहुत बार जितना भी शॉपिंग कर चुका हूँ पेटीएम से उतना बार ही मेरे को कॉल आ चुका है, पेटीएम या फ्लिपकार्ट जिससे भी आप शॉपिंग कीजिए वो शॉपिंग करने के तुरंत एक या दो दिन बाद कॉल आता है कि आपका जो इसने शॉपिंग किए थे तो आपका इसने इतना रुपये आपको लाके ड्रॉ में आया है, तो ऐसा कुछ उल्टा उल्टा आपको कॉल आएगा उल्टा उल्टा ऐसे अपना, तो इसमें बिल्कुल मत पड़िए, वो लोग का वो होता है एजेंट होता है उन लोग का, आप जो पेटीएम मॉल में जो भी अपना नंबर देते हैं वो डायरेक्ट वो लोग दूसरा वो लोग फॉर कॉलर जो होता है उन लोग को ट्रांसफर कर देता है, लोग भेज देता है, लेकिन इलीगल है ये, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको बड़ा आदमी कोई पता होगा तो वो बोलने से होगा, क्योंकि मेरे को चार पांच बार ऐसा हो चुका है, मैं पेटीएम केयर में कंप्लेंट किया भी था उसके बाद भी मेरे को कॉल आया था, तो इसका झंझट में मत पड़िए, वो शॉपिंग करने के बाद दोनों एक दो बार आपको कॉल आता ही होगा, जितना लगता है मेरे को जितना बार क्या उतना बार ही मेरे को आया है, अगर आपको भी आया तो इस सबका झंझट में मत बिल्कुल मत कीजिए, आप डायरेक्ट इस सबसे दूर रहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।